खबर रीवा जिले के गुड़ स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां गत दिवस मरीजों को लाने ले जाने का काम करने वाले एनजीओ संचालकों के साथ मारपीट हुई थी। एनजीओ संचालिका की शिकायत पर गुड़ पुलिस ने बीएमओ कल्याण सिंह और उनके दो अन्य सहयोगियों के खिलाफ 354 की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बीएमओ की शिकायत पर पुलिस एनजीओ कर्मचारियों के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों से लाने और उन्हें पहुंचाने का काम निजी संस्था को दिया गया है, जिसके सदस्य गत दिवस स्वास्थ्य केंद्र गुड़ पहुंचे थे, जहां बीएमओ और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। दोनों बच्चों की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई कर रही है। गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी दिन लगाने आए हैं। बंद करो, शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया, देखिए गुंडा देखिए, बंद करो, शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया, देखिए गुंडा देखिए, गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी दिन लगाने आए हैं। बंद करो, शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया, देखिए गुंडा देखिए, बंद करो, शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया, देखिए गुंडा देखिए। एक जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आई थी कि जो गुड़ सामुदायिक चिकित्सालय है, वहाँ पे आई कैंप के लिए एनजीओ गए थे। वहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं कल्याण सिंह, उनसे उनका कुछ विवाद हो गया था। इस बात का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर संज्ञान लेकर के थाना प्रभारी गुड़ ने अपराध पंजीवत किया है। कल्याण सिंह अन्य दो के विरुद्ध अपराध पंजीवत है वहाँ, जिसकी विवेचना की जा रही है। चिकित्सालय जो स्थानीय सामुदायिक चिकित्सालय है, वहाँ के भी कर्मचारियों ने डॉक्टर साहब के माध्यम से एक आवेदन दिया है, इसकी जांच भी की जा रही है। दोनों जांच और विवेचना जारी है अभी, और जो तथ्य निकल के आएंगे जो सामने, वो कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के आधार पर सब पहली ऐसी कौन सी धारा है जो उन पर लगाई गई है, कितने लोगों पर धारा लगाई? जो अभी FIR जो हुई है, 354 IPC की धारा में कार्रवाई की गई है। उसमें कल्याण सिंह जी और वो अन्य दो के विरुद्ध ये प्रकरण जो है, वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध कायम है, विवेचना चल रही है। और दूसरे में जो आवेदन अनावेदकों द्वारा दिया गया है, उसमें जांच चल रही है।